नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत में महान पुरुष श्री सुभाष चंद्र बोस जी का आज 23 जनवरी 2020 है। आज आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, भारत के महान क्रांतिकारी एवं भारत माँ के सपूत, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले महान वीर सपूत की आज जयंती है। आज उनकी जितनी गाथा गाया जाए उतना सुनाया जाए वह कम है। आगे की रिपोर्टिंग देखिए राविंद्र चौबे जी की एक जुबानी से। जिन्होंने हमारे देश क्या पूरे विश्व की चूल्हे हिला दी थी, खास करके अंग्रेजों की तो नींद हराम कर दी थी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जयंती हर जगह आज पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। नेताजी एक ऐसी हैसियत से, ऐसी शख्सियत से कि जिनके कारनामों से पूरा विश्व जानता है। उनके इतने ही उदाहरण पेश किए जाएं जो कि कम ही बैठेंगे। मैं ऐसी जगह से आपको बात करने जा रहा हूँ, बात बताने जा रहा हूँ, जो कि अंतिम पायदान पर अंतिम दिनों में लोग बताते हैं कि नामी बाबा के नाम से अंतिम सांस उन्होंने हमारे अयोध्या में ली। अयोध्या में उन्होंने अपना छोड़ा, शरीर छोड़ा। लोग कहते भी हैं कि वो दूसरी कोई शख्सियत ना हो करके वो नेताजी ही थे। हमारे बीच में भाई बस अड्डे के बगल एक कोठी है, उस कोठी में रहते थे नेताजी के नाम से। नामी बाबा हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे। आज उनका जन्मदिन है 23 जनवरी, और हम प्रशासन से कहते हैं कि जैसे 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय के रूप में मनाया जाता है, ऐसे 23 जनवरी को भी राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए इस ऐतिहासिक महापुरुष के नाम से, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और इतना कष्ट होगा देश की आज़ादी के लिए, तमाम झंझावटों को साथ में झेलते हुए और ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया था कि उनको कोई कमी नहीं थी। अगर ये ना उतरते इस मामले में, राजनीति के मामले में, जनसेवा के मामले में, तो उनका कुछ नहीं जाता। लेकिन एक ऐसे जुझारू व्यक्ति थे जिनके रोम रोम में भर उठा था कि हमको अपने इस देश के लिए, देशवासियों के लिए और अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करना है। ये सब को विचार करने के बाद नेताजी ने अपनी एक पार्टी बनाई और एक सैनिक वाली पार्टी बनाई जिसको लोग आजादी फौज के नाम से जानते हैं, और आजाद हिंद फौज जिसको इंग्लिश में INA कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की नेताजी ने। और उसके बीच में कई हजार लोग शामिल हुए उस समय 1939 से लेकर के 47 के बीच में, जो दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था अपने अपने देश को आजाद कराने के लिए, हर देश के लोग लगे थे उसमें, हमारा भारत देश भी था, जिसमें एक महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूं का नारा दे करके, दिल्ली चलो नारा दे करके, कहाँ सिंगापुर, कहाँ जापान, कहाँ जर्मन, ऐसे ऐसे लोगों से मिले और ले करके उन्होंने कहा कि हमको जब तक इन ब्रिटिश हुकूमत से अपने देशवासियों को आजाद नहीं करा देते तब तक हम चैन की सांस नहीं बैठेंगे। इसी के साथ उन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, इसी के साथ नारा दिया उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। उसी में से एक हमारे पिताजी भी, इनके